ले और ना ही कैनवस पे बनाइए। आज हम लोग कुछ नया ट्राई करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स वर्षा एज एक्ट ऑफ पेस्टल्स। अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर हफ्ते आर्ट और DIY रिलेटेड वीडियो लेकर के आती हूँ। आज फॉर द फर्स्ट टाइम हम क्वेलिंग मेथड यूज करने वाले हैं। सबसे पहले एक मैंने MDF बोर्ड लिया है जो सर्कल है। आपको जो पसंद हो उस शेप में लीजिए और आपको जो कलर करना हो बैकग्राउंड में वो कलर करें। मैंने ब्लैक कलर किया है। आज हम बस पेपर का ही यूज करने वाले हैं। इस क्वेलिंग मेथड के हेल्प से हम बना रहे हैं आज गणेश जी। और मैं सोच रही थी कि आप लोगों को शाउट आउट देने के लिए, लेकिन मैं शाउट आउट दूंगी किस बेसिस पे, ये तो आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो मैं शाउट आउट उन लोगों को दूंगी जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे नेक्स्ट आइडिया देंगे या बताएंगे कि उन्हें किस चीज की वीडियो चाहिए नेक्स्ट। तो आप लोग जल्दी जल्दी जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना चाहिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज लाइक कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा जब तक आप लोग लाइक कमेंट नहीं करेंगे तब तक। और मेरे वीडियो को शेयर भी करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और क्रिएटिव लगा हो तो। मैंने पेपर के हेल्प से सर्कल्स बनाए हैं, दो छोटे सर्कल्स बनाए हैं और दो मैंने बड़े सर्कल्स बनाए हैं जिसको मैंने प्रॉपरली स्टिक कर लिया है अपने MDF बोर्ड पे। उसके बाद मैंने ग्रीन कलर के पेपर से दो मैंने छोटे छोटे गणेश जी के पैर बनाए, उसको भी मैं अच्छे तरीके से स्टिक कर लूंगी। उसके बाद मैंने ना क्राफ्ट पेपर से गणेश जी का सर और गणेश जी का बॉडी पार्ट मैंने कट करके बनाया है। अभी मैं उसको ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही और मैंने थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर की हेल्प से उसको शेडो दिया है पूरे पेपर्स में। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से दिया है। उसके बाद मैं उन सब को अच्छे तरीके से स्टिक करूंगी। अब हम लोग एकदम लास्ट स्टेज पे हैं जहाँ पे मैं बना रही हूँ अपनी गणेश जी के लिए एक क्राउन। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो मैंने बनाया है वो आपको कैसा लग रहा है और वीडियो को शेयर भी करें। और अब शो टाइम।